वोट डालने पहुंचे हैं और अपनी पत्नी साधना के साथ वो पहुंचे हैं। इससे पहले मां नर्मदा का आशीर्वाद उन्होंने लिया, बहनों का आशीर्वाद उन्होंने लिया और मीडिया से भी रूबरू हो रहे थे तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करें। हालांकि इन सब से अलग शिवराज सिंह चौहान वोट डालने जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रही है। शिवराज सिंह चौहान ने वोट डाल दिया है। अब ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील जनता से की गई है कि मध्य प्रदेश की जनता उठे, घर से बाहर निकले और वोट डाले क्योंकि हर एक वोट बहुत जरूरी है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से प्रत्याशी है बीजेपी के और इनके सामने कांग्रेस से विक्रम मस्ताल प्रत्याशी है। यहां पर भी कांग्रेस बनाम बीजेपी देखा जा रहा है और ऐसे में देखना यह होगा कि आखिर किस तरीके से यहां पर जनता आशीर्वाद लुटा। देखिए शिवराज सिंह चौहान को भांजे से मिलते हुए, अपने तमाम बहनों से भी मिलते हुए वो नजर आए इससे पहले और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो लाइन में लगे हुए हैं, वोटरों से मिलने भी पहुंचे हैं शिवराज सिंह चौहान। वोट डालने के बाद उनसे हाथ मिलाते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूरे परिवार के साथ पहुंचे थे और पूरे परिवार के साथ ही माँ नर्मदा के किनारे भी पहुंचे पूजा करने के लिए, माँ नर्मदा से आशीर्वाद लेने के लिए। और बहनों से आशीर्वाद उन्होंने पहले ही लिया, उसके बाद वोट डालने के बाद देखिए बाहर निकले और परिवार के साथ वहां पर नजर आए और पूरे परिवार ने वोट डाला। और मतदान करने के बाद पूरे परिवार के साथ उन्होंने मीडिया को तस्वीरें दी और ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं क्योंकि इस बार का जो ये चुनाव है ये साख का विषय बन चुका है। चूंकि अंशिका, जो पिछले दिनों हमने चुनावी दावपेच देखा, उस दावपेच में जो पिछली बार 2018 के परिणाम थे उससे काफी कुछ यहाँ पर बदलाव की स्थिति बनी थी क्योंकि एकदम क्लोज मामला था बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जहां 109 और 114 का आंकड़ा था। उस 109 के आंकड़े को बढ़ाकर 114 के पार ले जाने की जो जुगत हुई और उसके बाद 2020 में जो बदलाव हुआ और अब हर कोई, जो हर कैंडिडेट है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, सभी ये चाह रहे होंगे, सभी ये सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह से जो आंकड़ा है उसके बीच में गैप होना चाहिए। बहुत ज़्यादा क्लोज रहने पर कुछ भी हो सकता है। तो ये 109 भारतीय जनता पार्टी सीटें 2018 में जीती थी, 114 सीटें कांग्रेस पार्टी जीती थी और इस बार हर कैंडिडेट जो वोट डालने जा रहा है उसके दिलो दिमाग में यही चल रहा होगा कि जो आंकड़ा है वो बड़े अंतर से हो तो ज़्यादा बेहतर है, सरकार बनाने के लिए वो आंकड़ा बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी एक एक सीट पर अगर हम बात करें तो 300 सीटें, चाहे तो 70 सीटें अगर छत्तीसगढ़ की हों या फिर 230 सीटें मध्य प्रदेश की हों, एक एक सीट पर एक एक वोट का महत्व है। एक वोट से जीत और हार का फैसला होगा और आज फैसले की घड़ी है जबकि इसका ऐलान होगा 3 दिसंबर 2023 को। और यहां पर जो बड़े चेहरे चुनावी मैदान में, उनसे जुड़ी हुई तस्वीरें भी अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। वोट डालने के लिए पहुंच रहे और वोट डालने के बाद मीडिया के सामने आकर अपील भी कर रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से बाहर निकलें और मताधिकार का इस्तेमाल करें। तो ये उस वक्त की तस्वीरें जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वोट डालने के लिए पहुंचे थे लोगों के बीच और वहां खुद एक आम वोटर की तरह, एक आम नागरिक की तरह वहां जाकर उन्होंने वोट डाला। उनके परिवार के लोग भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि मुख्यमंत्री इस वक्त वो हैं, प्रदेश की जिम्मेदारी है तो सिक्योरिटी जरूर उनके साथ थी, लेकिन मतदान केंद्र के अंदर